डेटा बताता है कि हरियाणा और पंजाब में दोनों में मिला के 26 लाख से ज़्यादा किसान हैं। 26 लाख से ज़्यादा किसान अगर पराली जलाने पे मजबूर हैं तो उनको केवल 63,000 मशीनें, वो भी 2 साल में देना, खाना पूर्ति के अलावा क्या है? यानी कि आप मान रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में भी मान रहे हो कि हम खाली एक्ट खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जो हवा की स्थिति है अभी, उसको लेके पूरी दिल्ली चिंतित है। बच्चे सफ़र कर रहे हैं, बुज़ुर्ग सफ़र कर रहे हैं, पूरी दिल्ली सफ़र कर रही है। और दिल्ली क्या, पूरा NCR सफ़र कर रहा है, अगर देखें तो नॉर्थ इंडिया सफ़र कर रहा है। गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा, आसपास के तमाम शहर, मुरादाबाद, कानपुर तक, सारा का सारा धुएं की चपेट में है। इधर सोनीपत और इस पूरा इलाका धुएं की चपेट में है। ऐसे में पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को धुएं की चपेट में ला के आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं, उसका सॉल्यूशन तो निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिल्ली इसके लिए काफ़ी कदम उठा रहे हैं। दिल्ली के लोग इसके लिए काफ़ी कदम उठा रहे हैं, काफ़ी कुर्बानी दे रहे हैं। दिल्ली के लोग यहाँ ऑडविन के लिए तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे इस बार कंपैरेटिवली पटाखे कम चला रहे हैं, यहाँ पे मास्क लोग पहन के चल रहे हैं, यहाँ पे जब भी ग्रैप की गाइडलाइंस इन सब की बात होती है, जब भी इम्प्लीमेंट होती हैं, डीजल जनरेटर कंस्ट्रक्शन एक्चुअली यहीं पर बैन हो रहा है। आपको भी पता है कि NCR तक में कहीं बैन नहीं हो रहा। आप मीडिया की रिपोर्ट्स भी आती हैं रोज़ाना कि किस तरह से ओवरनाइट कंस्ट्रक्शन चारों तरफ से चल रहे हैं, दिल्ली में बैन किया जा रहा है। डीजल जनरेटर दिल्ली में बैन किए गए। यहाँ पे कूड़ा जलाने पे पाबंदी लगा के सख्त फाइन लगाने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की गई। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली ने काफ़ी कदम उठाए हैं और उसके नतीजे भी देखने को मिले थे। अभी भी जब पूरा का पूरा उत्तर भारत धुएं, काले धुएं की चपेट में है, दिल्ली कदम उठा रही है। दिल्ली के लोग सफ़र कर रहे हैं, दिल्ली के लोग कुर्बानी दे रहे हैं इसको कम करने के लिए। दिल्ली के लोग अपनी ज़िंदगी में डिस्कम्फर्ट होने के बावजूद कुछ ऐसे कदम में सहयोग कर रहे हैं जो उनको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, लेकिन ओवरऑल इस धुएं की चपेट से पूरे क्षेत्र को बाहर निकालने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया है कोर्ट में। ये एफिडेविट आपने भी देखा होगा। इस एफिडेविट में केंद्र सरकार ने लिख के दिया है, इसके पैरा 3 में लिखा है केंद्र सरकार ने, दैट इन कंप्लायंस ऑफ द सेम इट इज सबमिटेड दैट द स्टबल बर्निंग हैज़ बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स फॉर पुअर एंड सीवियर एयर क्वालिटी इन दिल्ली एंड NCR इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर। केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट सब कह रही हैं कि 46% आज की तारीख में पूरे उत्तर भारत में जो पॉल्यूशन है उसमें से 46% और ख़ासतौर से NCR में पराली के धुएं की वजह से है। लेकिन और इसी एफिडेविट में एक चीज़ और उन्होंने कही है आगे जाके कि इन्होंने मशीनें दी हैं। केंद्र सरकार से जब पूछा माननीय अदालत ने कि आपने किया क्या ये बताइए, तो उन्होंने कहा जी हमने मशीनें दी हैं। अब मशीनें जो दी हैं उसका डिटेल आप देखिए, इन्होंने कुल मिला के 2 साल में 26,000 मशीनें दी हैं हरियाणा, 63,000 मशीनें दी हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों को। डेटा बताता है कि हरियाणा और पंजाब में दोनों में मिला के 26 लाख से ज़्यादा किसान हैं। 26 लाख से ज़्यादा किसान अगर पराली जलाने पे मजबूर हैं तो उनको केवल 63,000 मशीनें, वो भी 2 साल में देना, खाना पूर्ति के अलावा क्या है? यानी कि आप मान रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में भी मान रहे हो कि हम खाली खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप कह रहे हो जी 26 लाख किसान हैं, उनको हमने कुल मिला के 2 साल में, पहले साल में इन्होंने दी हैं 45,000 मशीनें सब्सिडी दी है और दूसरे साल 18,000 सब्सिडी की मशीनें डिलीवर्ड हुई हैं। तो कुल मिला के 63,000 मशीनों से 26 लाख किसानों का काम कैसे चलेगा? दो साल में दी हैं आपने। इस हिसाब से तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट के हिसाब से ही कैलकुलेट करें तो इसका मतलब आप 50 साल 60 साल लगाओगे पंजाब और हरियाणा के सारे किसानों को मशीन उपलब्ध कराने में। तब तक वो बेचारा किसान क्या करेगा? तब तक उत्तर भारत के लोग इसी तरह से काले धुएं में जीने को मजबूर रहेंगे। दिल्ली क्या करे? तमाम सेक्रीफाइस करने के बावजूद दिल्ली के लोग इस काले धुएं को पीने पर मजबूर रहेंगे।
और ऊपर से किया क्या है? अगर हमारी रिपोर्ट्स को देखें, आप लोग भी रिपोर्ट करते हैं जगह जगह मीडिया में, कि जहाँ जहाँ मशीनें बटी भी हैं वहाँ भी किसान उनको यूज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ यूजिंग दैट मशीन इज मच हायर देन बर्निंग द क्रॉप। वो भी सॉल्यूशन है कि नहीं है, अभी उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं बताई आपने सुप्रीम कोर्ट को। आप कुल मिला के 63,000 मशीनों बांटने का डेटा देके खाना पूर्ति करके सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हो कि जी हमने ये किया है। 26 लाख किसानों का काम किस तरह से चलेगा? तो एक तो मेजर चीज़ यही है, मैं एक्सपोज करना चाहता था कि ये जो कह रहे हैं हमने कदम उठाए, इन्होंने यही कदम उठाए हैं। ये मानते हैं सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में कि यस दिस इज़ पराली जलना सबसे मेजर फैक्टर है, इन्होंने अपने एफिडेविट में माना है। लेकिन इन्होंने ये भी माना है कि हमने कुल मिला के 63,000 मशीनें दी हैं 2 साल में। मेरा सवाल ये है कि 63,000 मशीनों से 26 लाख किसानों का काम कैसे चलेगा? और अगर इस स्पीड से आप मशीनें दिलवा रहे हो किसानों को, तो क्या अगले 50-60 साल का प्रोग्राम है? फिर अगले 50 साल दिल्ली के लोग क्या करें, गाज़ियाबाद के लोग क्या करें, गुड़गांव के लोग क्या करें, आसपास के तमाम शहरों के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग क्या करें? इसको तो केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, जहां आपने मशीनें बांटी हैं वहां का इम्पैक्ट आपको बताना पड़ेगा कि हमारी मशीनें बांटने का ये इम्पैक्ट हुआ है, जबकि सारे रिकॉर्ड्स अभी ये कह रहे हैं कि पराली इस बार पिछले साल से ज़्यादा जलाई जा रही है। क्या केंद्र सरकार के पास इसका कोई समाधान है? अब प्रकाश जावड़ेकर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है केंद्र सरकार की तरफ से? एफिडेविट में तो जो उन्होंने कहा है सो कहा ही है। 26 सितंबर को चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी थी उनको कि जी अक्टूबर यही बात कहते हुए जो उन्होंने एफिडेविट में की है कि जी पराली जलने वाली है, पराली का धुआं पूरे नॉर्थ इंडिया को धुएं की चपेट में लेगा, आप इस पर कुछ करिए, आप कुछ साझा प्रयास करिए। उनके पास में उत्तर भारत के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुला के इस मसले पे चर्चा करने का समय नहीं है। सारी दुनिया की सारी चीज़ों के लिए उनके पास समय है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं निकला है। उन्होंने मीटिंग्स बुलाई बीच में, 12 सितंबर को एक मीटिंग शेड्यूल हुई, फ़ोन करके कैंसिल कर दी गई प्रकाश जावड़ेकर जी के यहाँ से। फिर 17 अक्टूबर को एक मीटिंग शेड्यूल हुई, ईमेल से कैंसिल कर दी गई। 19 अक्टूबर को फिर मीटिंग शेड्यूल हुई, 19 अक्टूबर को वो भी ईमेल से कैंसिल कर दी गई। इसका मतलब आपके पास पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक करके इस समस्या को सुलझाने का या तो समय नहीं है या ये समस्या आपकी प्रायोरिटी में नहीं है।